If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, Deepak's Tuition Center के YouTube channel में आपका स्वागत है। इस video में हम chapter के key concepts, standard symbols, basic terminologies और standard formulas पे discussion करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ representative examples भी solve करेंगे। Video का जो सबसे important portion है, वो critical areas का discussion। जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं, तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान दें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। कार्टेशियन प्लेन में जैसे एक पॉइंट के बारे में जानने के लिए उसका कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, वैसे ही एक लाइन के बारे में जानने के लिए उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। सो द चैप्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में यही डीलिंग है कि कैसे हम लोग एक लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज गिवन है, बट उसमें जाने से पहले समझते हैं क्या हो रहा है। सोचो ये एक लाइन है, तो कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज भी पता होना चाहिए, जैसे कि ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट जहां पे एक पर्टिकुलर लाइन वाई एक्सिस को कट करता है, वैसे ही एक्स इंटरसेप्ट है वो पॉइंट जहां पे वो पर्टिकुलर लाइन एक्स इंटरसेप्ट को कट करता है। सो वाई इंटरसेप्ट का सिंबल होता है स्मॉल लेटर सी। एक्स इंटरसेप्ट का कोई सिंबल हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है। अगर जो ये लाइन है, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है उससे एक एंगल फॉर्म करता है, पर एक्स एक्सिस से चार एंगल फॉर्म करता है। तो हम लोग अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला सोचे तो अपर राइट, तो द एंगल फॉर्म विद द बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस या विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब हम लोग उस एंगल को थीटा बोलते हैं। दैट एंगल इज नोन एज इंक्लिनेशन। टू स्पीक सिंपली, ये कितना झुका हुआ है एक्स एक्सिस पे, इससे यह पता चलता है। और इस थीटा के मदद से हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप जिसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल लेटर m, तो स्लोप का फॉर्मूला है टैन थीटा। लेकिन अगर तुमको थीटा नहीं पता हो कोई कारण से, तो क्या स्लोप कोई दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है? यस, अगर तुमको इस पर्टिकुलर लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स पता है, सपोज एक पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो इस लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स लाई करता है, तो इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, बट मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। x1 y2 x2 y1 ऐसे नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। सो हमारा जो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो तीन फॉर्म का होता है। सबसे पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब स्लोप पता होना चाहिए और y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। स्लोप का सिंबल m और y इंटरसेप्ट का सिंबल c, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। दूसरा है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज बेसिकली जब तुमको उस लाइन पे कोई एक पॉइंट पता है, मान लो x1 y1 और उस लाइन का स्लोप भी पता है, तो तुम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। इस फॉर्मूला के मदद से इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगा। और टू पॉइंट फॉर्म मतलब तुमको उस पर्टिकुलर लाइन पे दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। सो टू पॉइंट फॉर्म इज बेसिकली वाई माइनस वाई वन होल डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन होल डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इन फॉर्मूलाज के मदद से तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कैसे इक्वेशंस निकलेगा। पर सम्स में जाने से पहले हम लोग को कुछ सर्टेन इक्वेशंस जानना चाहिए, कुछ सर्टेन प्रोमिनेंट लाइंस का जिनका कुछ स्पेसिफाइड इक्वेशन है। जैसे सबसे पहला है हमारा वाई एक्सिस। सो हमारा वाई एक्सिस का इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि उसका की फीचर यही है कि उस पर हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। सिमिलरली कोई भी लाइन जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल है उसका इक्वेशन होएगा एक्स इक्वल्स टू समथिंग। वो समथिंग क्या होएगा? वो x एक्सिस को जहां पे कट करता है उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू। सो सपोज ये x एक्सिस को a पे कट करता है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू a। सिमिलरली हमारा जो x एक्सिस है उसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि उस पे हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और सिमिलरली कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस से पैरेलल है उसका जो इक्वेशन है वो होगा हमारा y इक्वल्स टू समथिंग। वो समथिंग क्या होगा? वो समथिंग वो होगा जहां पे वो y एक्सिस को कट करता है, तो उसका जो y ऑर्डिनेट है उस पे हम लोग का फोकस रहेगा। अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स p 2 कॉमा माइनस फाइव
and Q 4, 3. Find subpart 1, the slope of the line PQ. Subpart 2, the equation of the line PQ. Subpart 3, the value of P if PQ passes through the point P minus 1, comma P plus 4. Question में P और Q का coordinates दिया है, 2, -5 और 4, 3. तो उसको हम लोग ले लेते हैं P को x1, y1 और Q को x2, y2. क्योंकि दोनों ही slope के formula में और equation के formula में x1, y1 ये सब express करना है हम लोगों को. So, यहाँ पे slope of PQ subpart 1 में जो जिसका सिंबल m है, इवन दो m स्टैंडर्ड सिंबल है, इसको डिस्प्ले करना बेटर होता है. सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो y2 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है -5. तो 3 माइनस ऑफ -5 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2. सो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5, 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 2. तो 2 और 4 कटेगा, 2 और 8 कटेगा और आंसर आएगा 4. तो स्लोप आ गया हमारा 4, फर्स्ट पार्ट डन. The equation of the line PQ is, क्योंकि मेरे को स्लोप पता है, मेरे को एक पॉइंट पता है, मैं पॉइंट कुछ भी ले सकता था, तो मैंने x1 y1 ले लिया. तो फॉर्मूला बोलता है y minus y1 equals to m x minus x1. तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, y minus of minus 5 is equals to 4, जो कि स्लोप का फॉर्मूला है, x minus 2. इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, y plus 5 is equals to 4x minus 8. तो सबको उस तरफ ले जाएंगे, तो 4x minus y minus 8 minus 5 that is minus 13. तो 4x minus y minus 13 equals to 0. तो ये हमारा equation of the line PQ हो गया. उसके बाद हम लोगों को question में बोला है कि एक point है P minus 1 comma P plus 4, इससे ये line cross करता है. तो logically P minus 1 को x के जगह पे और P plus 4 को y के जगह पे equation में put कर सकते हैं और वो equation को satisfy करेगा. तो लॉजिकली 4 इंटू पी माइनस 1 माइनस पी प्लस 4 माइनस 13 शुड इक्वल्स टू 0. तो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करें तो 4p माइनस 4 माइनस पी माइनस 4 माइनस 13 इक्वल्स टू 0. 4p माइनस पी दैट इज 3p माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 13 इज माइनस 22. सो 3p इज इक्वल्स टू 21 एंड P is equals to 21 by 3, that is 7. तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा. वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे आपके कीमती नंबर टीचर ले सकता है, काट सकता है, वो जगह यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देके काम करना पड़ेगा. जैसे इवन दो ये कंपलसरी नहीं है लिखना, बट ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत नीट होता है कि तुम इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लिया, क्योंकि आगे हम लोग को इसका रिक्वायरमेंट है और टीचर डायरेक्टली समझ जाता है हाँ वैल्यूज वहां गिवन है, तो बहुत ही नीट लगता है. सेकेंड, जब भी तुम कभी भी कोई भी चैप्टर में तुम करते हो, फॉर्मूला डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है. तो फॉर्मूला डिस्प्ले करना चाहिए, इससे एडिशनल एडवांटेज मिलता है. और थर्डली, जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो करना ही चाहिए. डायरेक्ट कैलकुलेशन में कर सकता था 3 -5 8 होता है, पर मैंने दिखाया, इसको डिस्प्ले किया, तो ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, ये यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए. एंड लास्ट विच इम्प्लाइज, तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, तुम विच इंप्लाइज लिखो या और लिखो, पर वो मेंशन होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, टीचर डेफिनेटली अच्छा खासा नंबर काट लेगा. अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स पी -1, 4 एंड क्यू 5, -2. इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी. फाइंड सबपार्ट 1, the equation of the line PQ. Subpart 2, the coordinates of A and B. Subpart 3, the coordinates of M. जैसा previous question में किए थे, let P minus 1, 4 be x1, y1 and Q 5, minus 2 be x2, y2. So, equation of line PQ, क्योंकि PQ पे दो points पता है, तो 2-point formula लगा लेंगे, y minus y1 whole divided by y2 minus y1. Which is equals to x minus x1 whole divided by x2 minus x1. So, अब x1, y1, x2, y2 का value substitute कर देंगे. y minus 4 whole divided by minus 2, minus 2 minus 4 is equals to x minus of minus 1 whole divided by 5 minus of minus 1. So, y minus 4 whole divided by minus 6 is equals to x plus 1 whole divided by 6.
ये 6 और ये कटेगा, ये माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा मेरे को माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सबको इस तरफ ले आते तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, तो एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पीक्यू हो गया। दूसरा हम लोग को बताया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करता है, मतलब बेसिकली ये लाइन पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक्सिस पे मीट करता है। तो मान लेते हैं ए एक्स एक्सिस पे लाई करता है और बी वाई एक्सिस पे, तो कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कैन बी टेकन एज ए कॉमा 0 और कोई भी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस कैन बी टेकन एज 0 कॉमा बी। सो सिंस पी क्यू पासेस थ्रू ए, तो हम लोग ए का कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं, ए प्लस 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो इज विच इंप्लाइज ए का वैल्यू क्या आया 3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3, 0। वैसे ही क्योंकि ये लाइन बी से भी पास करता है तो मैं 0 और बी को पुट कर सकता हूं, 0 प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो विच इंप्लाइज बी का वैल्यू क्या होगा 3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा 0, 3। और हम लोग को यह भी बताया गया है कि एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एम का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 0 बाई 2 कॉमा 0 प्लस 3 बाई 2, सो दैट वुड बी 3 बाई 2 कॉमा 3 बाई 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको चैप्टर में अभी भी कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सम सॉल्व नहीं हो रहे, तो प्लीज नीचे कमेंट करें ताकि मैं उनको आपके लिए सॉल्व करके दे सकूं। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस आइकॉन पे क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।